जम्मू के तलाबदिलो बोड़ीबट्टा में पति पत्नी की हत्या करने वाले ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि ये वही ऑटो ड्राइवर था जिस पर ये कहें कि जिसे मदद करने के लिए इस परिवार ने रखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मदद करने वाला ही ऑटो ड्राइवर जो है वो ऐसा उनके साथ कर देगा। सबसे पहले सल्यूट करना होगा जम्मू पुलिस को और खासकर SSP जम्मू जोगिंदर सिंह जी के साथ साथ SP रूरल ब्रजेश शर्मा जी को, जिनकी तरफ से बहुत कम समय में जो है वो इस मामले को सुलझाया गया है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा ये ब्लाइंड मर्डर था जिसे सुलझाना जो है वो पुलिस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन आखिरकार जम्मू पुलिस ने जो है वो इस मामले को सुलझाकर ऑटो ड्राइवर दीपक सिंह को जो है वो गिरफ्तार किया है पंजाब से और जम्मू का ही रहने वाला है। और अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि 370 हटने के बाद जम्मू बदला है, बल्कि कोई बाहर का नहीं है, लोकल ही रहने वाला ये जो है वो दीपक सिंह नाम का ये ऑटो ड्राइवर है जिसने पति पत्नी की जो है वो बेरहमी से जान ले ली थी। और जिसके बाद पूरे जम्मू में जो है वो डर का माहौल था कि आखिरकार जम्मू में क्या होने लगा है और जम्मू के हालात जो है वो किस तरह से बन रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है जो कि जम्मू पुलिस ने हासिल की है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करें और घर में किसी को अगर इस तरह से मदद करने के लिए किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो जनाब थोड़ा सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस तरह की वारदात का शिकार जो है वो कोई आपको ना बना दे। काफ़ी हैरानगी की बात है कि जिस ऑटो ड्राइवर को परिवार की मदद करने के लिए रखा गया था उसने ही इस तरह का गंदा काम किया है, जिसके बाद इनको जो है वो पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करेगी। लेकिन दीपक सिंह सरनाफ करतार सिंह जो कि जम्मू के ही उसी एरिया का रहने वाला था, यहाँ पर उनका घर था, संजय चंडेल जी का जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उनकी जो है वो बेरहमी से जान ली थी। और आज SSP जम्मू जोगिंदर सिंह जी द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अच्छा, मैं सर के बिहाफ पे गुजारिश, जब भी बाइट हो ना फिर आप बीच में थोड़ा है ना, फिर उसे सबसे पहले तो मैं आप लोगों का DPL के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत करता हूँ। अभी मेरे नॉलेज में एक इशू आया है तो उसको भी मैं रिजॉल्व करूंगा, जो आप लोगों की शिकायत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और उसके हमारे आज यहाँ मिलने का पर्पस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 14 तारीख को एक डबल मर्डर यहाँ पे हुआ था जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन उनकी वाइफ का कत्ल हुआ। तो जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थ्रू BCR तो हमारी चौकी अफसर, हमारा SHO, SDPO साहब, हमारे SP रूरल फौरन से मौका पे पहुंचे, मौका मुलाहिजा किया और इमीजिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को वर्कआउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी FSL की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्निफर डॉग को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद डेड बॉडीज़ को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई कि जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलाहिजा करना, CDR का मुलाहिजा करना, आसपास के जो CCTV लगे हुए हैं घरों में उनका मुलाहिजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना, इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सब ने हमारा पूरा साथ दिया। इन सब इनपुट्स के बेस पे हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि ये वारदात किसने किया। हमारे पास सबसे पहला सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम नोट अप किया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है वारदात करने के बाद जो है यहाँ से फरार हो चुका था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था या 3 दिन पहले ही किसी को भेज दिया था। तो वो सारी
टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे और इसमें इस बीच बीच में आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको रेस्ट करने के में कामयाब, जिसका नाम दीपक सिंह है अलियास सोनू, तालाब तिल्लो का ही रहने वाला। इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम जो कभी बाजार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी उनकी मदद करना, तो 7-8 साल से इनके कांटेक्ट में था, विश्वास पात्र था, आना जाना फ्री था घर में, और इस आदमी ने ही इस वादा को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चला कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है, तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की जरूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था, तो बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था। मैं भी कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसकी बैकग्राउंड में जब हम लोग गए हैं, इसके परिवार से हमने पूछताछ की है, उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था और 9 तारीख को आके इसकी वाइफ ने हमारे चौकी पोनीचक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई थी, और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फोन भी स्विच ऑफ करके हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं। फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता और 5,000 लेके फिर से घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये इन सारी चीज़ों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीज़न है अभी तक जो वो यही है कि इसको पैसे की ज़रूरत थी, जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी एसपी रूरल की टीम जो है और एसपी रूरल की जेल क्यादत किया है, जिसमें एसडीपीओ एसएचओ कंसर्न और आईसीपीपी पोनीचक को इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने ज्यूरिडिक्शन को नज़रअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था, इन सब ने मिलकर इस काम इस केस को जो है वर्कआउट किया है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, देखिए वो जो वहाँ एक रस्सी अवेलेबल थी उसी से इसने किस स्ट्रैंगुलेशन। सर दीपक सिंह के ऊपर और भी कोई पहले ऐसे कोई केसेस हैं या किसी केसेस में मुलविस है कोई इसकी बैकग्राउंड? जी नहीं, इसकी बैकग्राउंड में इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर जैसे कि कह रहे कि आप उसका आना जाना घर में फ्री था तो वो चोरी भी कर सकता था, आपको पैसे मांग नहीं मिल रहे थे तो उसने मर्डर क्यों किया? देखिये ये जो है ये अभी हमारा भी यही क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर। सर ये अकेला है या कोई और भी होने की क्षमता हो सकती है इसके साथ होने की? अभी तक जो है अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है और सीसीटीवी फुटेज से, सर घर से चोरी करके गया था, एक सीसीटीवी फुटेज जो आई है तो अभी तक यही लगता है कि ये अकेला ही। घर से सामान क्या क्या चुराया और रिकवरी कितनी हुई? देखिए सामान के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि सामान क्या था घर में, क्या गुम हुआ है वो दोनों बता सकते थे जिनकी दोनों की डेथ हो चुकी है, बच्चे दोनों जो है वो बाहर थे, पिछले 2-3 महीने से बच्चे बाहर ही थे, तो अभी घर में कोई भी इस बात को बता नहीं सकता है कि एग्जैक्टली क्या चोरी। दूसरा जो आप जब हमने इसको पकड़ा है तो इसके कब्जा से कुछ भी खास रिकवरी नहीं हुई। नया मोबाइल भी बताया जा रहा है खरीदा तो क्या मोटिव था इसका मोबाइल? देखिए इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, इसमें अभी हम इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कह सकते। सर परिवार ने जो बताया है तो क्या लगता है आपको कि परिवार ने सही बताया? हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि मिसिंग रिपोर्ट करवाई गई है
कि जानबूझ के एक साजिश रची गई हो या परिवार को इसके बारे में जानकारी हो सके। देखिए इन पहलुओं के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जम्मू पुलिस के उसमें ऐसा डाटा है कि सीनियर सिटीजन कितने अकेले रह रहे हैं, आपकी ई कॉप भी है, कितना अवेयरनेस करते हैं आप ई कॉप को यूज करने के लिए डिस्ट्रेस में आपके सीनियर सिटीजन के लिए? देखिए ये चीजें जो है अभी हम जो मेन मुद्दा उसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घर में किसी हेल्पर को, किसी आया को या किसी भी बाहर के आदमी को अपनी हेल्प के लिए रखते हैं, तो हम ये बार बार, ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस लगातार ये बताती है, ये लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप उनका वेरिफिकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो थाना में करवाइए। उससे 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 दो चीजें होंगी, एक तो वो आदमी जो है डरा रहेगा, और दूसरा जो है जब कभी कोई वारदात होगी तो उसमें पुलिस को उस को ट्रेस करने में आसान। सर 72 घंटे में पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, तो कितना चैलेंजिंग था? आपने जैसे कहा कि फोन भी फेंक चुका था, कोई लीड नहीं थी, कितना चैलेंजिंग था? देखिए ये बहुत चैलेंजिंग था, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास जो है टेक्निकल लीड मिलती है, हम उसके आधार पर काम करते हैं, लेकिन इसमें हमने जब सारी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट देखे इंटरनेट पे तो वो सब के सब मिसिंग थे, उससे हमें कोई लीड नहीं मिली। सर ये भी कहा जा रहा था कि ये आदमी था, क्या रखी गई थी? तो इसके देखिए अभी तक तो ये सामने नहीं आया। सर इसमें सीसीटीवी कैमरास की कितनी मदद मिली और भविष्य में किस तरह से लोग जो है वो और भी इसे इंस्टॉल करें ताकि इस तरह की गतिविधियां जो रोकी जा सके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जो कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर के अंदर तो लगवाइए, लेकिन घर के बाहर सड़क को भी कवर करे, आपके गेट को कवर करे, आपके पूरे घर को कवर करे, उसमें सबको लगाना चाहिए, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हमें सीसीटीवी फुटेज से ही ये को क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है, जिसमें हमारी मदद जो है जीएमसी की जो कंट्रोल रूम है जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज आते हैं, उन्होंने हमारा बहुत इसमें सहयोग किया है। सर सीसीटीवी कैमरास को लेकर पुलिस हर बार अवेयरनेस करती है, आज से नहीं पिछले कई सालों से पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल होने चाहिए, क्या लगता है कि पुलिस को भी एक अवेयरनेस ट्रैक चलानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि लोग सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है वो इंस्टॉल करें? देखिये ये अवेयरनेस का ही नतीजा है कि इस वक्त आप मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में जो है वो सीसीटीवी लोगों ने लगाए हो, चाहे अपनी दुकान पे लगाए हो, चाहे अपने घर पे लगाए हो, चाहे अपने बिजनेस सेंटर पे लगाए हो। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगाए जाते थे वो जनरली अपने घर के अंदर लगाए जाते थे, तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है वो घर के बाहर लगाए हैं, जिससे सड़क जो है वो कवर हो गई। जी सर, पुलिस ने बार बार आम जनता को ये भी कहा कि अगर कोई भी टेनेंट रखते हैं तो उसकी जानकारी पुलिस को, स्थानीय पुलिस तो या चौकी में, तो क्या लगता है अगर कोई घर में काम करने के लिए किसी को रखते हैं हेल्पर के तौर पर, उनकी जानकारी भी पुलिस को होनी चाहिए? सर देखिए ये तो हम लोग इसमें पर्चे भी लगाते हैं कि जिन लोगों ने टेनेंट अपने घर में रखे हैं तो उसमें हम FIRs भी लगाते हैं कि जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो हम तो ये बार बार कहते हैं कि अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हर किसी को अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। उस सेफ्टी में ये चीजें भी आती हैं कि आप किसी को घर में रख रहे हैं उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर ये ऑटो चालक की था जिस तरह की बातें थी, ये प्रॉपर उनके घर? जी जी सर। बीट बुक में क्या प्रोविजन रहता है, एल्डरली सिटीजन कितने लेकर अकेले रहते हैं? देखिए वो है हमारे पास डेटा है, देखिए हमारे लोग जो है इस चीज के मतलब जो है बीच बीच में ये चीजें करते रहते हैं, लेकिन आप क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है, हर किसी के घर में जाना, अगर हम पुलिस किसी के घर में जाती तो कई बार तो नाराज भी हो जाते हो। जी थैंक यू सो मच। के 72 घंटों के अंदर जम्मू पुलिस ने जो है वो इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाकर ऑटो ड्राइवर को जो है वो गिरफ्तार किया है। तो जनता से भी अपील पुलिस ने की है कि अगर कोई भी, अगर आप घर में किसी को मदद के लिए रखते हैं तो पहले पुलिस में उसकी वेरिफिकेशन जरूर करा लें, और इस तरह से किसी के ऊपर अंदाज यकीन ना करें कि कल को कोई भी इस तरह की वारदात करके जो है वो चले जाए। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।